सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल सैवी सिंह को और प्रेस करें बेल आइकन को सारे लेटेस्ट यूजफुल अपडेट जानने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय YouTube चैनल सैवी सिंह। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ आई फ्लू होने पर तुरंत करें ये घरेलू उपाय। गर्मी के मौसम में लोगों को कई तरह की परेशानियाँ लगी रहती हैं। इसी में एक सबसे बड़ी समस्या है आँखों के इन्फेक्शन की। इस समस्या में आँखों में जलन, खुजली और लालिमा आ जाती है। आँखों के इस इन्फेक्शन का अगर सही समय पर इलाज ना किया जाए तो ये बहुत जल्दी ही दूसरे लोगों तक फैल जाती है। इसके लिए बाज़ार में कई तरह के आई ड्रॉप्स मिलते हैं, लेकिन कुछ घरेलू उपाय करके इसे शुरुआत में ही छुटकारा पाया जा सकता है। तो आइए जानें इसके कुछ घरेलू उपाय। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है नमक का पानी। नमक के पानी से आँखों को साफ करने से गंदगी बाहर निकल जाती है। इसके लिए एक कप पानी में एक चम्मच नमक डालें और इस पानी को उबालें। उबालने के बाद इस मिश्रण को ठंडा होने के लिए रख दें। जब ये अच्छी तरह ठंडा हो जाए तो इसे आई ड्रॉप की तरह आँखों में डालें और दिन में 4-5 बार इसे इस्तेमाल करें। इन्फेक्शन ठीक हो जाएगी। फिर आ जाता है दूध और शहद। इसके लिए बराबर मात्रा में हल्के गर्म दूध में शहद मिलाएं और अच्छी तरह से मिक्स करें। इसे ठंडा होने के लिए कुछ देर के लिए फ्रिज में रख दें और फिर आई ड्रॉप की मदद से इस मिश्रण को 2 या 3 बूंदें आँखों में डालें। फिर आ जाता है एलोवेरा। इसमें मौजूद एंटीसेप्टिक गुण आँखों की जलन और दर्द को दूर करने में मदद करते हैं। इसके लिए एलोवेरा के पौधे से ताज़ा जेल निकालें और इसे पानी में डालकर अच्छे से मिला दें और इसे ड्रॉपर की मदद से दिन में 3-4 बार आँखों में डालें। फिर आ जाता है बोरिक एसिड। एक कप पानी में एक चम्मच बोरिक एसिड डालकर उबालें। जब ये ठंडा हो जाए तो इसे कॉटन को इसमें भिगोकर आंखों पर रखें और फिर इस मिश्रण को 2 या 3 बूंदें आंखों में डालें। इसके बाद आंखों को गुनगुने पानी से धो लें और साफ कपड़े से पोंछ लें। इससे आंखों की जलन और खुजली ठीक हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी कुछ जानकारी। पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर करें और मुझे कमेंट भी करें। थैंक यू फ्रेंड्स।